नमस्कार दोस्तों, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर कुछ लोगों ने हमें कमेंट्स किया है कि शाला दर्पण पर हमने ज्वाइनिंग तो करवा दी है डेमो एम्प्लॉय आईडी की मदद से, और साथ में इसके बाद में हमने एसओसो आईडी पर एम्प्लॉय आईडी भी क्रिएट कर दी है, लेकिन शाला दर्पण पर डेमो एम्प्लॉय आईडी आ रही है, उसे आप रियल एम्प्लॉय आईडी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, आप अपनी बनी हुई नई एम्प्लॉय आईडी को शाला दर्पण पर कैसे ऐड करेंगे, इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। यह एक शॉर्ट वीडियो है, मैं इसे जल्दी ही कंप्लीट करके आपको बता दूंगा। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं, मैंने अपने कुल लॉगिन को ओपन कर लिया है, ये पीओ लॉगिन सेक्शन है। तो यहाँ पर क्या करना है, जिस किसी भी एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी अपडेट करनी है उसके लिए आप यहाँ पर पीओ लॉगिन है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। हेल्प डेस्क नाम का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर हेल्प डेस्क पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद हेल्प सेंटर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे, क्लिक हियर टू रिपोर्ट एन इशू, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। याद रहे मैं आपको नई एम्प्लॉय को कैसे ऐड करना है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इशू 4 का ऑप्शन आ रहा है हेल्प सेंटर में, ठीक है। तो ये पॉपअप मेन्यू आ रहा है, तो यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या होगा, सभी स्कूलों की लिस्ट आ जाएगी। तो आपने जिस किसी भी स्कूल में ज्वाइन करवाया था उस स्कूल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैंने उस स्कूल को सेलेक्ट कर लिया, उस कार्मिक के स्कूल को। इसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम कैटेगरी, इसमें आपको बहुत सारी कैटेगरी मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कार्मिक संबंधी, ठीक है, कार्मिक संबंधी। तो इस पर क्लिक कर दिया मैंने। इसके बाद यहाँ पर एक और सब कैटेगरी ओपन हो जाएगी, इस पर फिर से क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे आ रहे हैं, कार्यग्रहण, कार्य मुक्ति और ये अन्य सारे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है ये जो ऑप्शन है कार्मिक की बेसिक का विवरण में अद्यतन, यानी कि अपडेट, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और एम्प्लॉय आईडी या फिर जन्मदिन, इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो रहा है लास्ट वाला, तो यहाँ पर राइट फॉर अस और कार्मिक का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या आधार नंबर में संशोधन करना है तो इस पर क्लिक करना है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी अपडेट करें, तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी का ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऊपर हम राइट अस फॉर सपोर्ट, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह का ये ऑप्शन ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको एम्प्लॉय आईडी को अपडेट कराने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। आप यहाँ पर अंग्रेजी में एक एप्लीकेशन टाइप कर देंगे। एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ वो किस तरह का रहेगा। तो यहाँ पर एक बार बता देता हूँ, एप्लीकेशन को यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद आपके पास कोई पीडीएफ है तो यहाँ पर अपलोड करनी है, अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ये ऑप्शनल है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है ऑप्शनल। इसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम रिपोर्ट, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप ये सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली और आपकी एम्प्लॉय आईडी 2 या 3 दिन में, हो सकता है 1 दिन में भी अपडेट हो जाए। इसके बाद आप अपने शाला दर्पण पर चेक कर लीजिएगा, जब भी आपकी एम्प्लॉय आईडी अपडेट हो जाए तब आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टाफ लॉगिन में एम्प्लॉय आईडी को अपडेट कर सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राजगुरु जी साइनिंग आउट। नमस्ते।